ले लो डिजाइनर ट्रेंडी इयररिंग्स सिर्फ 150 रुपीस के अंदर। वाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम ब्यूटी एंड फैशन ट्रेंड। फेस्टिव सीजन के साथ साथ आ गया है अब हमारा शादियों वाला सीजन, एंड इस टाइम में एकदम सज सवर के रेडी रहना तो पड़ेगा ही, और वो भी हमें अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये शादियों का सीजन को ही ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी इयररिंग्स हॉल, मतलब एक से एक इयररिंग्स आपको मैं दिखाऊंगी सिर्फ 150 रुपीस के अंदर, एंड वो भी ना मैंने अमेजोन से खोज खोज के निकाला है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा फर्स्ट इयररिंग, या हम इसे कहें झुमका, एंड जब भी मैं इसे देखती हूँ ना वाओ, ऐसा मेरा मुंह खुद ही बन जाता है। तो ये है फ्रॉम ब्रांड सीजवर्थ, अमेज़ॉन का स्क्रीनशॉट है जब ये मुझे डिलीवर हो गया था, एंड आप इसमें प्राइस को देख सकते हैं। तो ये है ब्यूटीफुल सा झुमका, बहुत ही खूबसूरत है, कलरफुल है ना, ये हर लहंगा साड़ी प्लाजो कुर्ता कोई भी एथनिक वेयर के साथ एकदम गजब का जाएगा, और अगर आप थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक भी कैरी करते हैं ना तो भी बहुत ही अच्छे से सूट करेगा। ये झुमका जो है लाइट वेट होने के साथ साथ काफ़ी स्टाइलिश एंड यूनिक भी है, साथ में इसमें आपको कलरफुल स्टोन्स एंड कलरफुल बीड्स मिलेंगे जो कि इस झुमका को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। झुमका का डिज़ाइन क्वालिटी एंड प्राइस सब कुछ बहुत ही गजब का है। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। चलो फटाफट से सेकंड वाला देख लेते हैं। तो ये देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे ज़रूर बताना। ये है ब्रांड कॉर्ड स्टोर से, डिज़ाइन तो आप देख रहे हैं बिल्कुल यूनिक एंड ट्रेंडी वाला है। मैंने जैसे बोला था डिज़ाइनर इयररिंग्स आपको दिखाऊंगी, तो है ना ये डिज़ाइनर। देखो इसमें 5 मोती वाले चेन ऐसे लटकन स्टाइल में लटक रहा है जो कि बहुत ही यूनिक लगता है, एंड ये थोड़ा लॉन्ग भी है, मतलब शादियों के लिए भी एकदम परफेक्ट है। क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, इसका फिनिशिंग अच्छा है, और हाँ ये लाइट वेट है, देख के लग रहा होगा कि कोई हेवी सा इयररिंग है, पर नहीं, बहुत ही लाइट वेट है, आप इसे आराम से पूरे शादी में पहन के एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट इयररिंग्स है फ्रॉम ब्रांड ज्वेल्स गैलेक्सी स्टोर, एंड ये वाला इयररिंग्स ना आप लोगों ने बहुत देखा होगा क्योंकि एक टाइम पे ये काफ़ी ट्रेंड था। तो ये पूरा मोती लगा हुआ है, पहले बड़ा है फिर छोटा है, एंड काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है ना। मुझे काफ़ी टाइम पे मन था इसे लेने का, तो फाइनली मैंने ले लिया, लेकिन इसका जो पेच है ना, जो इयररिंग्स के पीछे में हुक होता है, पेच होता है जो भी बोले, वो थोड़ा कमज़ोर सा है, तो आप ना थोड़ा सा हेवी अच्छा वाला लगा लेना। वैसे ही वाला इयररिंग्स ना किसी भी वेस्टर्न वेयर के साथ, गाउन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा, या अगर आप चाहें थोड़ा सीक्वेंस वाला साड़ी वेयर करें ना, एंड साथ में ये वाला इयररिंग्स लगा लो, उफ़ एकदम गजब का लगोगे आप। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलो अब देखते हैं फोर्थ इयररिंग्स, जो कि है फ्रॉम ब्रांड सुभाग अलंकार। कितना अच्छा ब्रांड का नेम है ना, क्या जैसा नेम है वैसा ये प्यारा सा झुमका भी है, कितना अच्छा लग रहा है। ऑक्सीडाइज है थोड़ा सा, एंड इसमें आपको स्काई कलर का ये मोती वर्क मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। स्टोन जो है इसमें स्टिक किया हुआ है, एंड ये पूरा मेटल का है, यस ऑफकोर्स सारे मेटल्स के ही हैं, और इसमें आपको थोड़ा सा गोल्ड टच मिलेगा। इसका बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, आप अपने ड्रेस के हिसाब से मैचिंग करके ले सकते हैं। मैंने इसे स्काई कलर का लिया क्योंकि मेरा एक सूट था उसका कोई इयररिंग्स नहीं था मेरे पास। और आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। अगेन इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है। ये जितने भी इयररिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये शादियों के लिए तो एकदम बेस्ट रहेगा, साथ ही फेस्टिवल्स के लिए, पार्टी फंक्शंस के लिए एकदम सूट करेगा, तो इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ ले लेना अपने लिए। नेक्स्ट इयररिंग है वो है फ्रॉम ब्रांड जेनरिक, एंड ये ब्यूटीफुल सा रोज़ गोल्ड कलर का स्टड इयररिंग्स है। बहुत सारे लोगों को, यानी बहुत सारे गर्ल्स को जो थोड़े लंबे लंबे इयररिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, वो पसंद करती है थोड़े मीडियम टाइप के स्टड इयररिंग्स, तो ये उनके लिए है। बहुत ब्यूटीफुल सा इसमें गोल्ड का फिनिश है, और साथ में इसमें मोती भी है जो स्टिक किया हुआ है, एंड एक अच्छी बात यह है कि एकदम प्रॉपर तरीके से स्टिक है, एकदम भी गिरने का चांस ही नहीं है। ये वाला ना फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है, मतलब इसमें जो लीफ गया है, जो पत्ते भी बने हुए हैं ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है, ठीक है, तो बहुत ही यूनिक एंड क्लासी लग रहा है ये वाला स्टड। नेक्स्ट इयररिंग है ब्लैक लवर्स के लिए, जो कि है फ्रॉम ब्रांड नकाब स्टोर्स, ब्लैक कलर का है, स्टोन वर्क है, इसमें मोती भी है, एंड मोती पता है कैसे काम किया है, मोती को जस्ट ऐसे ही चिपका नहीं दिया है, उन्होंने तार से अच्छे से मतलब गुथ के बनाया हुआ है ये पूरा इयररिंग को, एक भी बीड्स मोती या स्टोन इधर से उधर नहीं हो सकता, बहुत ही क्वालिटी अच्छी है इस इयररिंग की। ये जो ब्लैक स्टोन देख रहे हैं इसके अंदर भी ना हल्का हल्का ग्लिटरी इफेक्ट है जो कि इस इयररिंग को काफ़ी गॉर्जियस बनाता है, क्लासी लुक देता है। एंड लास्ट है, काफ़ी फेमस ब्रांड है ये भी, वो है जवेरी पर्ल्स, मतलब हर गर्ल्स के पास एक ज्वेलरी तो होगा ही इसका, अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग करती होंगी तो ये एक झुमका इंस्पायर्ड इयररिंग है। जो गोल्ड गोल्ड इयररिंग्स होते हैं ना, ये बिल्कुल एकदम शादी वाला वाइब देता है, एंड शादी सीजन चल ही रहा है तो बस
खरीद डालो एंड पहन डालो तो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये गोल्ड प्लेटेड तो है लेकिन बीच में ना रेड स्टोन लगा हुआ है, तो इसे ना किसी भी आप गोल्ड या रेड कॉम्बिनेशन वाले ड्रेस के साथ वेयर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लाइट वेट है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, और हाँ गोल्ड है तो ऐसा नहीं कि चीप चीप लग रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ ज्वेलरी पर्ल्स के जो झुमकी या इयररिंग्स होते हैं उनकी क्वालिटी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। और मैंने तो इसे 3-4 बार वेयर भी किया है, इसका कलर भी बिल्कुल फेड या काला ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये झुमका इयररिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये देख के आपको काफ़ी लग रहा होगा हेवी है, पर ये ऐसा है नहीं, काफ़ी लाइट वेट है एंड स्टाइलिश भी है। पहन के तो देखो तब पता चलेगा, लेकिन पहनने के लिए आपको करना पड़ेगा इसे ऑर्डर। कहाँ से? अमेज़ोन से, जैसे कि मैंने किया है। तो मैंने अमेज़ोन से इसे परचेस किया है, जितने भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं। आपको कौन सा जो इयररिंग से सबसे अच्छा लगा मुझे बताना कमेंट्स में, और हाँ ये अपने गर्ल गैंग के साथ ज़रूर शेयर करना, वो भी चाहेंगी यार कि ये फेस्टिव सीज़न एंड जो शादी का सीज़न है उसमें एकदम फाड़ू लगे। तो जरूर से जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक दे देना। तो बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।